ओके, अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर उष्मा। ठीक है, इस लेक्चर में हम उष्मा से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, या फिर अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, या फिर अणुओं का भार बढ़ जाएगा, या फिर अणुओं का भार घट जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, या उसके अणुओं के कुल वेग का, या उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक है, किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, या अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, या फिर उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, या पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो ध्यान रखना, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उष्मा का प्रवाह कैसा होता है? अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। यानी कि अगर हम एक कम ताप की वस्तु और एक ज़्यादा ताप की वस्तु को आपस में संपर्क में लेके आएंगे, तो ज़्यादा ताप वाली जो होगी उससे कम ताप वाली वाली उष्मा में प्रवाहित होगी। कम ताप की जो वस्तु होगी उसमें उष्मा प्रवाहित होगी। ठीक है, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, या फिर उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। तो ध्यान रखना, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ यह है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, या फिर उसके अणुओं की चाल घट जाती है, या फिर अणुओं का द्रव्यमान बढ़ जाता है, या फिर अणुओं का भार बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ठीक है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ठीक है, और गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा यानी हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड ने। ठीक है, रमफोर्ड ने ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी ने। ठीक है, डेवी एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया? बर्फ के दो टुकड़े लिए और आपस में घिसकर उसको पिघला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी कार्य उष्मा में बदलता है या उष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न उष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, इसका मान कितना होता है? ऑप्शन ए 4186 जूल पर किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 4.186 जूल पर कैलोरी, ऑप्शन सी 4.186 × 10^7 अर्घ पर कैलोरी, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, जब कभी कार्य उष्मा में बदलता है या उष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न उष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, इसका मान इन सब के बराबर होता है। ठीक है, ये एक ही चीज़ है, इनको कन्वर्ट कर करके दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही है? तो इनमें से कौन सही है देख लो, W/Q = J, ये सही है क्या? हाँ बिल्कुल, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होता है? उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है, या फिर उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा में होता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है? तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, जब कुछ पानी को लगातार मंथन किया जाता है तब तो उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो किस कारण से उच्च हो सकता है? ऑप्शन है, जल में विलीन पदार्थ होते हैं, या फिर बॉयलर के अंदर निम्न दबाव होता है, या बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, या अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है? तो इसका आंसर है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ठीक है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? क्योंकि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में हेडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, शीतकाल में हेडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो क्या है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई? केल्विन है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल। देखो ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो देखो जूल भी ऊष्मा का मात्रक हो सकता है, कैलोरी भी हो सकता है, किलो कैलोरी भी हो सकता है, और डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। डिग्री सेल्सियस तापमान की, तापमान का मात्रक है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, ये तापमान, तापमान की इकाई है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड एक ही है, लेकिन केल्विन ये सब क्या है? ये तापमान की इकाई है, ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो इनमें से ऊष्मा का मात्रक कौन नहीं होगा? डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? अभी मैंने बताया था ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? कितना होता है? 4.2 × 10³ जूल होता है, ध्यान रखना। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10³ जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? ऑप्शन है, अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, या ऑप्शन बी, अधर तल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, या ऑप्शन सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, या फिर गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो इसका आंसर होगा सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म करते हैं, ठीक है।